ये कहती है इस देश में रहना होगा। तेरे बाप के जहेज में आया है क्या ये मुल्क? लेकिन अगर तुम ये सोचेंगे कि मैं कुछ भी बोलूंगी, ये वही है ना जो अपना घर छोड़कर सड़क के ऊपर ढोल बजाने के लिए चली थी। ये नाटक नौटंकी अपने साथ चलने वाली नहीं है। आगाज तूने किया है, अंजाम तक हम लेकर जाएंगे। और अगले बार तेरे बाप का नाम लेते वक्त सोच लेना कि किससे पंगा ले रही है करके। एक तो साला हमारी फितरत ऐसी है कि हम किसी को छेड़ते नहीं और कोई हमको छेड़ा तो मैंने उस दिन जब बोला पार्लियामेंट में इस देश में रहना है तो जय श्री राम कहना है। संभाजी नगर को जो दाग लगाने वाला है ना, उसका एक बयान आया का है नाम है देखा इम्तियाज जलील ओबीसी का चमचा क्या बोलता है, अमरावती आएंगे बोले नवनीत राणा को गिराने। अरे तेरे जैसे कितने आए कितने गए। मैंने उस समय भी कहा कि इस देश में रहना है तो जय श्री राम कहना है। अरे तेरे में अगर दम है तो अमरावती आके लड़ और तू गिरा के दिखा। अगर नहीं लड़ा तो तेरे संभाजी में देखूंगी इस बार तू कैसे चुन के आता है। चम्मच ये चम्मच ही रहेगा और संभाजी नगर के लोग इस बार हमारे संभाजी महाराज को दाग लगने नहीं देंगे और ऐसे लोगों को वहां से चुन के नहीं आने देंगे। और ओबीसी जी को क्या, इस देश में जब मैं खड़ी हूं मेरे विचारधारा मेरे साथ है। तो तुम जैसे कितने 56 आए और 56 गए। नवनीत राणा महिला है जब पदर खोज के खड़ी है ना मैदान में, तेरे जैसे एंटू पिलांटू को डरने वाली नहीं है। मैंने तो कहा ही था, उन्होंने कहा ना कि बाबरी जिंदा है जिंदा थी। मैं उनको एक ही बोलती हूं, राम भगवान जी का मंदिर जिंदा था है और रहेगा और इसलिए वो मंदिर वहां बना है। जय श्री राम।